दांतों में सड़न, दांतों में कीड़े, दांतों में दुर्गंध, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द, या कई बार हमारे मसूड़ों में दर्द होने लगता है, खुजली होती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन होती है, जिसका कारण क्या हो सकता है? कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे जो मेन कारण है, हम अपनी दांतों का ध्यान नहीं रखते। यानी कई बार हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे मुंह में खाना खाने के जो टुकड़े होते हैं थोड़ा बहुत, वो जो खाना है वो सड़ने लगता है, उसके बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ पैदा होती है, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे पस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद वो कीड़े के रूप में बदल जाता है। अगर आपके दांतों में कीड़े हैं तो उसको भी एक रात में निकाल देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज की, जैसे कि थंबनेल देखे आप जान, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे घरेलू नुस्खे, बहुत ही सिंपल है, दोनों के इंग्रेडिएंट आपको ऑलमोस्ट घर में मिल जाएंगे, वो जो कि जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो दांतों के सिर्फ एक रात के इस्तेमाल से आपके दांतों से कीड़ों को खत्म करेगा, आपके दांतों की सड़न को भी काफ़ी कम करेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है या आपके मसूड़े दर्द हो रहे हैं, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुंह से दुर्गंध आती है यानी बदबू आती है, यानी मुंह को लेके जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं ऑल ओवर, जिनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा तो दांत का दर्द जो होता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा सीवियर या बड़े बड़े दर्द आप सह सकते हो, लेकिन दांत का दर्द काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। कई बार जब हमको होने लगता है तो हम उस समय उतनी जल्दी तुरंत तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप इस घरेलू नुस्खे को यूज़ करते हो तो आपके दांत के दर्द को कम करेगा, आपके मसूड़ों में जो कई बार पेन होने लगता है उसको भी ठीक करेगा। लेते हैं दो नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला है उसके लिए लौंग। लौंग का इस्तेमाल कोई नया नहीं है, जी हाँ, ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है, या इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये थोड़ा सा ठंडी प्रवृत्ति की होती है। तो लौंग का तेल भी आपने देखा होगा मार्केट में आता है, जिसको कई बार हमारे दांतों में दर्द वगैरह होती है, लौंग के तेल का दांतों में अप्लाई करते हो तो आपको तुरंत रिलीफ मिल, तो उसके लिए आपको लौंग लेने हैं 4 से 5 पीस। उस एक चीज़ याद रखें, ये जो पीसेस हमको लेने हैं इसमें फूल होना चाहिए ऊपर, यानी उसका जो सिरा होना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए, वही ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसको अच्छे से कूट लेना है, पाउडर बना लेना है, थोड़ा बहुत अगर दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद इस पाउडर को क्या करना है, आपको मुंह के अंदर जहाँ भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आप उस जगह इसको भर लीजिए, उसके बाद मुंह को बंद कर लीजिए। अब जब हम अपने मुंह को बंद रखेंगे तो हमारे मुंह में स्लाइवा क्रिएट होता है, यानी जो लार हमारे मुंह में बनती है, लार के कारण उस पाउडर को ये गीला कर देगा एंड वो थोड़ा सा अपने मुंह उसी जगह रखा रहने दीजिए एंड उसका असर पूरी जगह पे होने लगेगा। 5 मिनट बाद आप मुंह को खोल के जितना भी स्लाइवा है वो बाहर निकाल दीजिए, बाकी अगर सोल्यूशन थोड़ा बहुत बचा है तो उसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह डेफिनेटली 100% आपको काफ़ी ज़्यादा अपने दांत में, आपके दांत के दर्द में रिलीफ मिलेगा। आपके मसूड़ों में स्वेलिंग वगैरह है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसको लगाने में आपको ठंडा ठंडा फील होगा। इसके साथ ही साथ आपके ओरल हेल्थ को भी मेंटेन करता है, आपके मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मुंह आ सकते हो। सेकंड आते हैं, सेकंड नुस्खे के लिए आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का उसके बाद उसमें मिक्स करना आधे चम्मच के आसपास फिटकरी, यानी जिसे हम एलम कहते हैं। फिटकरी का यूज़ कोई नया नहीं, बहुत पुराने समय से भी इसको लोग अपने ओरल हेल्थ या मुंह के हेल्थ को अच्छा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ मुंह में दुर्गंध आने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके मसूड़ों में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है या मुंह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है, काफ़ी ज़्यादा अचूक ये उपाय है, जी हाँ। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करें, प्रिपेयर हमारा ये सोल्यूशन। आप क्या करना है, एक कॉटन लेना है, कॉटन में इस सोल्यूशन को लगा के आपको ऑल ओवर पूरे मसूड़ों में अच्छे से इसकी मालिश करनी है, आपको दांतों में इसको लगाना है अंदर की तरफ बाहर की तरफ। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड दोबारा इस सोल्यूशन को लेना है जहाँ पे आपको लगता है आपके दांतों में सड़न है या दांतों में दर्द हो रहा है या खुजली है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको लगता है, उस सोल्यूशन को वहाँ पे रख लेना है। उसके बाद मुंह को बंद कर लेना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद आपको मुंह को खोलना है, क्योंकि मुंह बंद रखेंगे स्लाइवा काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगा, जिससे कि उसके बाद आपको इस स्लाइवा को निकाल देना है, पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह आपको नॉर्मल पानी से कुंडली करना है। डेफिनेटली दोनों नुस्खे काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं, एक रात आप इसको यूज़ करके देखिए, इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो, दोनों आपको एक टाइम में यूज़ नहीं करने हैं। बात करते हैं
अगर आपके मुंह से बदबू आती है यानी आपको लगता है आपके मुंह से दुर्गंध आता है तो उसके लिए क्या करना है, आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है लौंग, लौंग को लेना है, लौंग के पाउडर को लेना है, एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी लेना, उसमें इसको मिक्स करना है, इससे कुल्ले करने हैं सुबह शाम, आपको डेली 6 से 7 दिन आप यूज़ करोगे, आप देखोगे आपकी जो मुंह से स्मेल आती है काफ़ी हद तक कम हो गई है। एंड इसको 6 से 7 दिन करना है, उसके बाद जब आपके दांत ठीक भी हो जाए तो बीच बीच में हफ्ते में एक से दो दिन इसको यूज़ करते रहें, ताकि आपके मुंह में जो बैक्टीरियल ग्रोथ क्रिएट होता है या जो भी मुंह में प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ना क्रिएट हो। उसके साथ ही साथ सेकेंड जो है, एक ग्लास पानी लेना, उसमें 1 चम्मच फिटकरी के पाउडर को मिक्स करना, उससे कुल्ले करने हैं लगातार आपको डेली 6 से 7 दिन सुबह शाम इसको यूज़ करना है। फिटकरी के यूज़ करने के बाद आपके मुंह से जो भी दुर्गंध आती है, जो भी बदबू आती है होती है, उसको काफ़ी कंट्रोल करेगा। जी हाँ, दोनों ही नुस्खे बहुत ही बेहद अजूक हैं, इसको एक बार यूज़ करके देखें दोस्तों, आपके दांतों के दर्द को ये काफ़ी हद तक कम कर देगा, यानी कई बार तो आपके दांतों के दर्द को ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही साथ इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, 12 साल से कम एज वाले बच्चे यूज़ ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।